हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं लवलीन। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बनाकर बताने वाले हैं एग मसाला। एग मसाला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, देखिए पूरा वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें लवलीन्स किचन, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, चलो देखिए पूरा वीडियो। अंडा करी बनाने के लिए अंडों को उबाल करके छिलके निकाल लिए हैं और उसमें इस तरह से डॉट बना दिए, क्योंकि जब हम इसे तलेंगे तो तेल में फूटेंगे नहीं। 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। लहसुन की 10 से 8 कलियां लेनी है। 2 हरी मिर्ची, इन सबका हम एक चॉपर की सहायता से पेस्ट तैयार करेंगे। ये चॉपर की सहायता से हमने इस तरह का दरदरा पेस्ट तैयार किया है। अब हम सभी अंडों को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तेज पत्ता, दालचीनी, कुछ खड़े मसाले ले लेंगे। फ्राइड किए हुए अंडों को निकाल लेंगे। अब हम इसी तेल में, ये हमने बड़ी इलायची है उसको हमने चूर्ण बना लिया था, ये डालेंगे। तेज पत्ता डालेंगे, दालचीनी, थोड़ी देर इसे भुनने देंगे सभी चीजों को। अब हम इसमें हमने जो ये पेस्ट तैयार किया था ये डालेंगे, तैयार किया हुआ पेस्ट डालेंगे। इसे धीमी आंच पर धीमी आंच करके इसको अच्छे से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। हम एकदम मसालेदार एग बना रहे हैं इसलिए हमने ज्यादा प्याज लिया था। अब आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें जो हमारे सूखे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, इन सब का हमने पेस्ट तैयार किया है, वो डाल करके इसे अच्छे से भूनेंगे। एकदम इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए, एकदम लाल जैसा होना चाहिए, ब्राउन। तब तक हम इसे अच्छे से भूनते रहेंगे जब तक इसका पूरी तरह से कलर चेंज नहीं हो जाता। अब हम इसमें मैगी मसाला मैजिक और ये किचन किंग एवरेज का किचन किंग मसाला डालेंगे जो हमने बीच में डाला हुआ है, डाल करके इसे मिक्स करेंगे। अब आप भी देख सकते हो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, देखो इस तरह से पूरा कलर चेंज हो गया है इसका। अब हम इसमें एग डाल देंगे। अब हम इसमें भुने हुए जो हमारे एग है, जो फ्राई किए हुए हैं, उन फ्राई किए हुए एग्स को डाल करके इसे भी हम मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे जिसमें से हमें करी रखनी है, बस हमें इतनी ही करी इसकी रखनी है। हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे थोड़ी देर पकाएंगे और बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रेवी बन चुकी है इसकी और कितना बढ़िया कलर आया है मसाला एग का। मसाला बनके तैयार है फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।